नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं जो वीडियो लेके आया हूँ स्क्रीन देख रहे होंगे, वो है जेई मेंस के लिए। एग्जाम आपके चल रहे हैं जेई मेंस वाले, और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का थोड़ा 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 कंफ्यूजन हो यहाँ पर आ रहा है, तो उसे देख के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेई मेंस के जो एग्जाम है वो फरवरी में हो चुका है, मार्च में हो चुका है, अप्रैल में आने वाला है ना, 25, 26, 27, 28 में, और उसके बाद में मई में होगा चौथा चरण, ठीक है ना। 4 चरणों में है, तो जो जेई के एस्पिरेंट है उनके लिए मैं अप्रैल और मई के लिए स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहता हूँ। और वो स्ट्रेटेजी ये है कि डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ बाई योर परसेंटाइल, आइदर 60 और 95, इट्स न्यू बाउट। ध्यान दे बच्चे, यानी कि फेब में जो आपकी परसेंटाइल आ गई है या मार्च में जो आपकी परसेंटाइल आ गई है उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। जब आप अप्रैल में एग्जाम देने जाएंगे तो वो नई चीज होगी, आप देख सोच के देखिए कि चाहे आपकी ज्यादा आई है चाहे आपकी कम आई है परसेंटाइल। पेपर का स्टैंडर्ड जो है, पेपर का जो लेवल है, पेपर की जो बारीकियां हैं, वो आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होंगी। थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है कि कहीं पर ऑर्गेनिक ज्यादा आ रही है, कहीं पर इनऑर्गेनिक ज्यादा आ रही है। मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो थोड़ा सा लेवल से ऊपर आ रहा है, लेवल से ऊपर नहीं आ रहा है एक्चुअली में। केमिस्ट्री का जो लेवल है वो थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ थोड़ा सा क्या ज्यादा है। तो मेरा मतलब है कि जब आप अप्रैल में एग्जाम देने जाए तो पिछले मार्क्स से ये ना सोचे कि मेरी 60 आई थी तो अब 90 नहीं आ सकती, या 95 आई थी तो अब तो 90-80 आएगी। तो ये बिल्कुल नई चीज है, बिल्कुल नए तरीके से पढ़े, ठीक है ना। दूसरी जो बात है, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पेपर में अटेम्प्ट रखें। अब स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि स्ट्रेंथ में देखो ये तो फिक्स है कि आपको स्टार्टिंग केमिस्ट्री से करनी है या फिजिक्स से करनी है। अगर आपकी फिजिक्स की तैयारी बेटर है, मैं ये नहीं कह रहा कि केमिस्ट्री की नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आपने इस तरीके से डिवाइड किया हो कि मैं फिजिक्स यहाँ पर 95% लेकर चलूंगा, केमिस्ट्री को 90% लेकर चलूंगा, तो फिजिक्स आपकी बेटर हो गई तो फिजिक्स से स्टार्ट करें, देन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को लास्ट में रखें, राइट। ठीक है, ये बात अच्छे तरीके से आप लोगों को जान लेनी होगी कि पहले फिजिक्स देन केमिस्ट्री, और उसमें भी आप राउंड बना लें, ठीक है ना, वो बात मैंने आगे रखी है। तीसरी जो बात मैंने यहाँ पर रखी है कि 3 राउंड में आप अटेम्प्ट करें पेपर को। देखिए ऐसा ना हो कि आप फिजिक्स में ही लगे रह जाएं और 1.5 घंटा हो जाए या 2 घंटे हो जाएं, वो बिल्कुल गलत है, वो स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। आप 3 राउंड बनाएं 40-40 मिनट के, या इस तरीके से राउंड बना लें कि मैथ फिजिक्स के लिए 40 मिनट, केमिस्ट्री के लिए 30 मिनट, और मैथ के लिए फिर 40 मिनट। फिर सेकंड, अब फर्स्ट राउंड का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, फर्स्ट राउंड का मतलब है कि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने किए हुए होंगे, आपको आते होंगे, आपसे बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना, उसका मतलब फर्स्ट राउंड है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि पहले फिजिक्स को ही पूरा निपटाते हैं तो पता लगे कि फिजिक्स को निपटाने में 1.5 घंटा हो गया या 1.25 घंटे हो गए, फिर आपको मैथमेटिक्स में जो आता है उसके करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो 3 राउंड ले, पहले ही राउंड में आप वो क्वेश्चन ले जो 100% आपको आते हैं, दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन ले जो 80% आते हैं, तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन ले जो 60% आते हैं, ठीक है ना। पुट टिक आफ्टर एवरी राउंड। देखिए ये भी जरूर ध्यान रखें, कई बार किसी किसी बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहता है कि आपने पेपर तो बहुत अच्छा कर लिया लेकिन जब पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ तो 15 मिनट बचे थे और आपसे जो टिक करना था या जो इवेल्युएशन के लिए सेंड करना था उसके लिए प्रॉपर टाइम ही नहीं बचा, तो वो बिल्कुल भी ठीक स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है ना। मेरी बातों को बहुत ध्यान दें और ये बहुत जरूरी है, ये आपके पेपर को और अच्छा बना सकती है। अभी भी आप 10-20% जो पोर्शन है अगर वो छोड़ के चल रहे हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि आप 100% अप्रैल में लेके चले, मई ही लास्ट है ना, तो छोड़ सकते हैं, मई में आप उस 10% को उठा सकते हैं। ध्यान रखना है परसेंटाइल जो है वो टोटल बच्चों के ऊपर डिपेंड करती है, अकेले आपके ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक
ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ऐसा है तो डरे नहीं, वो 20% आपका मई में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए तो बिल्कुल फ्री गेम है ये, 100% उनकी तैयारी पहले से भी थी, फिर उसने उसकी एज आपने दे दी। जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले उनके लिए मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि वो अपने प्रैक्टिकल को और बोर्ड एग्जाम को और मेंस को, ठीक है ना, वहां पर प्रायोरिटी के हिसाब से टाइम दे भाई। यहाँ पर आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, हालांकि टफ डिसीजन है, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं वही चीजें करता हूँ जो बोर्ड में भी आएंगी मेन में भी आएंगी, तो कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं आप, क्योंकि 11th का जो पोर्शन है वो 50% से भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। बिना 11th के पोर्शन के जेईई मेंस में अच्छा कॉलेज लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट। नेक्स्ट जो बात है वो है कि बोर्ड इजी होगा, मैं आपको इतना बिल्कुल निश्चित रूप से बता देता हूँ, यानी कि प्रोडक्टिव रहे। प्रोडक्टिव का मतलब है ज्यादा से ज्यादा करें। देखिए जब बोर्ड हार्ड होता है तो हमें वो चीज ज्यादा करनी चाहिए जो हमें अच्छे से आती है, और कुछ चीजों को हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि पोर्शन हर एक पार्ट इजी पार्ट आ रहा है कोरोना की वजह से बोर्ड, ठीक है ना, तो इसलिए प्रोडक्टिव रहे, मतलब ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें। जेई के लिए जो केमिस्ट्री है वो बोर्ड के साथ तैयार की जा सकती है भाई, ठीक है ना, बशर्ते 11th को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। मेरे फाइनल एग्जाम है, बिल्कुल भी यह ना सोचे कि मार्च में मेरा कम परसेंटाइल था या फरवरी में मेरा कम परसेंटाइल था, उन चीजों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। मैंने सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है, और बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करें। अनअकैडमी पर भी आप सब्सक्रिप्शन ले लें अगर आप चाहते हैं तो, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैंने खुद एक दो एजुकेटर के, टॉप एजुकेटर के नाम भी रखे हैं, हालांकि बहुत सारे टॉप एजुकेटर हैं, एनकेसी सर हैं, एनपीयू सर हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो वहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो 3 मंथ का या 2 मंथ का, और उनकी रिकॉर्डिंग क्लास फास्ट ट्रैक वाली देखें, ठीक है ना। बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासेस हैं, यानी कि अब लाइव क्लास देखने का टाइम नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, तो इस तरीके से काम करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी बच्चों के पास ये बातें पहुंचे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।